हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज विथ पनीर। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेजिटेबल मैंने कट करके रखी हो, बीन्स, गाजर, गोभी, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और ये आलू। ये है पनीर, मैं अमूल का पनीर यूज़ की हूँ। इसे बनाने के लिए आप चाहिए हमें पेस्ट में टमाटर, अदरक, कड़ू, हरी मिर्च का पेस्ट और आप देख सकते हैं मगज है, 50 ग्राम मैंने मगज ली हूँ, 50 ग्राम काजू और थोड़ा सा यहाँ पर खसखस पोस्तो दाना और यहाँ पर मैं आलिया पर तेज पत्ता, जीरा, होल गरम मसाला, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, मस्टर्ड ऑयल। सारे सारे सब्जी को हम मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेंगे और चाहिए गरम मसाला और ये अन्नपूर्णा का घी या मैड में लास्ट में ऐड करेंगे। सो इसे कैसे बनाते हैं मेरे साथ बने रहिए। अब देख सकते हैं पैन हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, ऑयल ऐड कर दी हूँ मैं। अब सब्जी को फ्राई करेंगे हम। फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैं एक एक करके यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करूंगी, पोटैटो, इसे फ्राई कर लेती हूँ। पोटैटो को सारे सब्जी को फ्राई करूंगी एक एक करके। जब तक फ्राई हो तब वेजिटेबल तब तक हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, फाइन पेस्ट। चलिए इसे फाइन पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम काजू किशमिश काजू मगज को भी पेस्ट कर लेंगे। चलिए इसे पेस्ट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी वेजिटेबल मैंने फ्राई कर ली हूँ। ऑयल भी हमारा गर्म है। इसी ऑयल में मैं सब्जी बनाती हूँ। इसमें ऐड कर देती हूँ होल गरम मसाला, तेज पत्ता। ये फुल वेज है, इसमें मैंने लहसुन प्याज कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब देख रहे हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम जीरा। जीरा जैसे चटके कलर पूरा चेंज हो। मैं ऐड कर दूंगी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। आप देख सकते हो जीरा हमारा चटक रहा, कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर देते हैं। चलाई है तक चलाइए, फ्राई कीजिए इसे चला चला के, जब तक टमाटर का कच्चापन ना चल जाए अदरक का, तब तक चलाइए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काजू मगज और खसखस का पेस्ट, जो पोस्तो दाना बोलते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं काजू मगज खसखस पेस्ट। इसे ठीक से चलाइए, आप चलाते रहिए। हल्दी, नमक, मैन पेस्ट इसी में, इसी पेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। सारे मसाला यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्राई वेजिटेबल्स। देख सकते हैं फ्राई वेजिटेबल्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। देने से चलाना है सारे मसाले को इसके साथ फुल मिक्स कर दिया। मैं अभी पनीर फ्राई करके रखी हूँ, देख सकते हैं आप।
अच्छे से चलाइए, ढक ढक के पकाएंगे, थोड़ा लाइट पानी देंगे, फिर इसे मैं पुलाव के साथ सर्व करूंगी। ये आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव, नान, रोटी, पूरी, परोठा, किसी के भी साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से सारे मसाले सारे सब्जी के साथ मिल गए हैं, मिक्स हो गए वो। अब मैं थोड़ा सा पानी आपको ऐड कर देती हूँ, सब्जी को बॉईल होने में हेल्प होगा। अब इसे हम ढक देते हैं। चलिए इसे अभी हम ढक के, ये कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हम इसे ढकना है। बॉइलिंग आने के बाद पनीर ऐड करेंगे, गरम मसाला, घी, कंप्लीट। चलिए ढक देते हैं इसे, इसके हम इसे हमें 5 मिनट के बाद चेक करते हैं।